टहनिया तोड़ रखी हाथियों ने हर जगह। देखो तो भैया ये कटरा कोई बाघ ने घायल कर रखा और जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ है। देखो ये और ये पड़ा हुआ है जंगल के बीचों बीच किसी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। तो आ चुका हूं मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रहा हूं अपना जंगल। एक्चुअली हुआ क्या, सुबह सुबह मुझे थी कॉल आई कि भाई चल तुझे जंगल घुमाता हूँ। मैंने इसको बोला था ना बहुत टाइम से मेरे को राइड करा जंगल की, और हम जाते हैं गुलरभोज वाला रूट है जंगल का पूरा। तो यहाँ इसका काम चलता है, तो यहाँ पे लकड़ी वकड़ी का कटान अटान का काम चलता है। तो हम घूमेंगे आज देखो गाड़ी पे, और मैं गाड़ी दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो गाड़ी जिसमें हम घूमने वाले हैं, बोलेरो। और पूरी धूल मिट्टी से भरी होगी क्योंकि लास्ट टाइम और देखा था, और आज पूरा का दिन ऐसी होने वाला है। तो और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए जिससे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे। ये रूट होने वाली है, ये है रास्ता यहाँ से स्टार्ट। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे पिथौरागढ़ वाली सीरीज नहीं देखी है तो बेल आइकन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके मेरे पिथौरागढ़ वाली सीरीज देख सकते हैं। और गाड़ी की हालत देख रहे हो, पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो मिलते हैं आगे। मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप लोगों को जंगल दिख रहा होगा। तो ये रूट निकलती है गुलरभोज अंदर, और हम हमें लामाचौड़ वाली रूट पे। तो जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये लामाचौड़ वाली रेंज है, यहाँ से हम जाएंगे गुलरभोज। तो बाइक मैंने यहाँ खड़े कर दिए, मोहित यहीं था, अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे और फिर आप लोगों को बहुत कुछ दिखाते हैं। नदी यहाँ आके मिलती है, तो भाखड़ा आती है ना फतेहपुर से, पूरी यहीं आके मिलती है। भयंकर आती होगी ना, भी आती होगी तो बरसातों में आती है तो पूरी भयंकर आती है दूर दूर तक। देखो भाई क्या पता कोई जानवर देखने को मिल जाए, आए तो हम उसी उम्मीद में कोई दा के साथ कि भैया क्या पता कोई जानवर दिख जाए, लग भाई चांस दिख जाए। ये पूरी रामनगर रेंज हुई ना, ये है रामनगर रेंज भैया, ये पूरी रामनगर रेंज में आती है। ओ भाई ये पेड़ गिरा पड़ा है, हाथी ने गिरे, हाथी ने गिरा रखा भैया पेड़, तोड़ रखा है, तोड़ रखा है, गुस्सा हाथी का, ताजा ताजा ही लग रहा है, है? नहीं भाई आयो यहीं चलिए कटाई। तो जितना अंदर को आते जा रहे उतना टेंस होते जा रहा है, तो वो जंगल पूरा बिल्कुल ही जाना है। देखो गाइयां दिखी है, पूरा रूट ऐसा होता जा रहा है, ये सब हाथियों के करामाते हैं, टहनिया तोड़ रखी है हाथियों ने हर जगह, तो गाइयां दौड़ रही है हमारे आगे ही है। निकलती है खत्ता। हाँ तो एक रास्ता ये जा रहा है, आते हुए यहाँ से आएंगे इस वाली रूट से, और जाते वक्त हम यहाँ से खतरनाक वाली रूट से जा रहे हैं, ये ज़्यादा एडवेंचर है इसलिए हम इस रूट से जा रहे हैं। आते वक्त तो नॉर्मल है इसलिए वहाँ से आएंगे, जाते वक्त यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा एडवेंचर है, तो यहाँ ज़्यादा एडवेंचर करने को मिलेगा। तो भैया यहाँ का खोया सबसे ज़्यादा मोहित कह रहे हैं कि बढ़िया एकदम प्योर खोया बनता है यहाँ पे गाय ज़्यादा है। यह है अपना नगलटिया खत्ता करके है, जंगल के अंदर है, देखो फसल हो रखी है, सभी वो होंगे ना गुजर। तो यहाँ पे लगे नया लॉट पेड़ों का, और देखो हाथियों के लिए कैसे तार लगाई गई हैं ताकि करंट होता है इस पर, एक हल्का सा
ताकि हल्का सा उन्हें एक झटका लगे और वो दूर रहे, क्योंकि किस तरीके से लगा रखे हैं तारे। एक मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो जो तार जा रही है ना, ये देखो इसमें लगा हुआ है, ये जो तार है ये उसकी है। हाथियों को हल्का करंट का झटका लगता है तो दूर रहते हैं। ये पूरी नई लॉट लगाई गई है, ठीक है, पूरी पूरे नए नए लॉट है पेड़ों की, और पूरा घर को जा रहा है। हम जा रहे हैं इधर को अंदर को। ये सब हाथियों ने तोड़ रखे हैं, जितने पेड़ तोड़ रखे ना, सारे के सारे हाथियों ने तोड़ रखे हैं। देखो पूरे जंगल के बीचों बीच खड़े हैं हम लोग, और देख रहे हो पूरी भेड़े भेड़े, पूरी पूरी भेड़े, पूरी जंगली भेड़े सारी। और ये हाथी के लिए बनाया गया है, हाथी खाली जगह को बोलते हैं, और यहाँ पे आके ना जानवर प्यास बुझाते हैं अपनी। और हम लोग देखो इसमें आए हुए हैं मोहित दौर, और हम कैसे खड़े, देखो पूरे जंगल के बीचों बीच पूरा जंगल है, चारों तरफ पूरे चारों तरफ जंगल है भाई, देख रहे हो, और हम खड़े हैं यहाँ पे। चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे, कुछ और देखने को मिलता तो दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे तो अभी यहाँ पे कोई जानवर के पाँव के निशान तो दिख नहीं रहे, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। ऐसा तो कोई जानवर आके नहीं गया, सुबह गया होगा। हाथियों के पाँव के निशान देख रहे हैं, क्योंकि हाथी गुजरते हैं यहाँ पे, और ये भी कोई जानवर का पाँव का निशान है, बट कौन सा ही नहीं पता मुझे, गाय वाई का है शायद ये भी। तो भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पूरी भीड़ ही भीड़ है, बकरी भेड़ दोनों है और काली भेड़ है, पूरे मवेशी हैं। ये देखो भैया जंगली भेड़, सारी जंगली भेड़ है, जंगल के बीच में हमें पूरी भेड़े मिल गई हैं। उधर से देख रहे थे हम लोग, अगर भाई साहब देखो यहाँ पे चला रहे हैं, क्या यही लोकल आप अंदर ही यही रहते हैं? वो देख रहे हो अले के होते हैं क्या? हो गए इनका थोड़ा सा पहाड़ी भेड़ का हिसाब से अलग वो है ना इनका, है ये और है ना पहाड़ी भेड़ अलग है। और वो क्या लेके आ रहे हाथ में, खरगोश? अच्छा बच्चा भी आई है, अरे भैया देखो कैसे हाथ में लेके आ रहे, बच्चा भी आई हुई है पूरी भेड़ अभी। इन भेड़ों का वो ना अलग है, एक यहीं की नस्ल है या बाहर की नस्ल है? अच्छा अपने देश की है ना। मोहिद्दा खेलने लगे भेड़ों के साथ, हाँ सॉफ्ट तो होंगे यार इनके बाल, बहुत सॉफ्ट होंगे ना, तो मशीन से कटे हैं इनके बाल। अच्छा मशीन से कटे हैं भैया। देखो भैया भेड़े गांव के अंदर, बिल्कुल जंगल के अंदर भेड़े हैं, और ये यहीं के लोकल है, और ये देसी भेड़ है, पहाड़ी भेड़ नहीं है। जैसे देसी भेड़ आप पहाड़ी भेड़ देखी ना आप लोगों ने, और ये देसी भेड़ है, ये पूरी देसी भेड़ है। और वो आपने भी बच्चा हुआ है भेड़ का उधर पे, कुछ बकरियाँ भी हैं इनमें, और उधर वो बच्चा देखो अभी अभी हुआ है छोटा बच्चा। चले आगे देखते हैं, चल तो आइए दिखाते हैं आपको भी छोटा बच्चा भेड़ अभी अभी हुआ है। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बकरी है शायद, बकरी है भेड़ है समझ नहीं आ रहा है, भेड़ी है, भेड़ है ना। दो बच्चे भी आए शायद, एक दो उधर है, एक और बच्चा भी आया, एक उधर है, एक है। देखो ज़्यादा करीब नहीं जाते हैं, खाली परेशान होते हैं। अभी देखो अभी अभी ब्याया हुआ बच्चा है भेड़ का, इतना प्यारा लग रहा है यार। अभी देखो गुस्से में देख रही है हमें बिल्कुल, क्योंकि हम अनजान हो गए ना इनके लिए। अभी एक उधर भी ब्याया हुआ अंकल शायद दूध निकाल रहे हैं, वहाँ पर भी एक और बच्चा भी आया शायद, अभी लग के ऐसे ही लग रहा है देख के कि एक और बच्चा भी आया, क्योंकि बिल्कुल हाथ में छोटा सा है ब्लैक कलर का। अरे कलर शेड देखो ना इनके, ये भेड़ में बैठे बैठे कैसे खा रही है, लेटे लेटे खाने में लगी है भाई, थक गए ना, थक गए ना, खाते रहो खाते रहो। हाँ उसमें भी एक और बच्चा हुआ है, एक और बच्चा हुआ है, वो ब्लैक कलर का अंकल बैठे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से गाइस, आई होप आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा देखना, हमें भी फर्स्ट टाइम, मेरा भी एक्सपीरियंस है जंगल के बीचों बीच बिल्कुल, और इस तरीके से पूरे भेड़ का झुंड मिल गया, पूरे चार तरफ देखो भेड़ ही भेड़ है, इधर भी उधर भी हर जगह भेड़ है, मज़ा आ गया। थैंक यू मोहिद्दा, हमें तुमने ऐसा एक्सपीरियंस कराया जंगल का, अभी तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस करेंगे हम जंगल के। और जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर अभी तक किसी ने पिथौरागढ़ वाली सीरीज नहीं देखी है तो पिथौरागढ़ वाली सीरीज का या तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये रही, तो इसमें जाके आप लोग फॉलो कीजिए, सेम नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस भेड़ के लग गई है पाँव में, देखो जारी लंगड़ा के चल रही है,
तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और कुछ, क्योंकि मोहिदा को भी लेट हो रहा है। अभी अभी हुआ है, देखो बच्चा, देखो मैं बोला था ना, वो लेके आ रहे, देखो पकड़ के, ये देखो हाथ में पकड़ के ला रहे हैं, अभी भी हुआ है बच्चा। तो आज दो बच्चे हैं भेड़ के, दो मेंबर और जुड़ गए इनकी फैमिली में, इतनी बड़ी भेड़ी की फैमिली में। और इनसे पूछते हैं एक बार, देखो हमारी गाड़ी के आसपास पूरी भेड़ी भेड़ हो गई है, देखो। तो भैया ये कटरा कोई बाघ ने घायल कर रखा है, जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ है, देखो ये, और ये पड़ा हुआ है जंगल के बीचों बीच, किसी जानवर ने या तो बाघ ने कुछ मार के फेंक रखा है, या मार रखा, खा रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ये घसीट के लेके आया है यहाँ तक, के अंदर एंटर होते हुए, बिल्कुल डीप जंगल के अंदर, बिल्कुल जैसे एंटर हुआ था, एंटर में हमें वो मिल गया बाघ का खाया हुआ जानवर आधा। तो भैया बिल्कुल देख रहे हो झाड़ी जगह से टकरा रही है गाड़ी से, बिल्कुल पतला, और बाइक का रास्ता है, हम लोग गाड़ी ने गाड़ी को छेड़ दिए हैं, बिल्कुल पतला पतला रास्ता, छोटा सा, ये है देखो, जितना जितना अंदर जाते जा रहे हैं उतना उतना मोहिदा को तो नहीं लग रहा होगा, मुझे डर लगता जा रहा है। यही खिड़की भी खुली हुई है, बंद कर लूँ क्या है मोहिदा? मोहिदा कह रहे कुछ नहीं होता, दिन में कुछ नहीं होता यार, मतलब मजाक कर रहा हूँ, दिन में डर नहीं है, दिन में इतना डर नहीं है। डर है रात का, रात में हो गया हालत खराब, हाथियों का आतंक देखो यार, हर जगह हाथियों का आतंक है। जितना जितना डीप जाते जा रहे हैं, देखो झाड़ियों की आवाज़ आ रही होंगी, आप लोग गाड़ियों से टकरा रही हैं, और यहाँ पे भी हाथी ने कर रखा आतंक, देखो हाथियों का आतंक तो भाई भयंकर है। मुझे लगता है जंगल में सबसे ज़्यादा आतंक मचाने वाला एक जानवर हाथी ही है। और भाई ये रोड कहाँ ख़त्म हो गई? अच्छा है किनारे से, आज ये असली जंगल सफारी। आओ किसी को जाना है हमारे साथ जंगल सफारी में, तो हमारे में पूरी सीटें खाली है, लेट के आओ, सो के आओ, बैठ के आओ, जैसे आने आओ। अरे बड़ा खट्टा है भाई, उतर को रहो, ये कूद तेरी भाई। ऑफ रोडिंग का मजा तो ये है, पूरा ऑफ रोडिंग से भी ज़्यादा जंगल ऑफ रोडिंग। तो भैया कर रहे हैं जंगल ऑफ रोडिंग, देख रहे हो पुरानी वाली है अपनी बुलेरो, नई वाली बुलेरो की तो बस है, अच्छा पूरा नाला है यहाँ पे, मोहित वगैरह यहाँ से दिख रहा है, आगे से दिखेगा, इसकी छत के ऊपर खड़े होकर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अरे वो हाथी की रट्टी, आज मैं हाथी की पॉटी पॉटी दिखाने में लगा हूँ। देखो बिल्कुल मूवी में नहीं दिखाते, थोड़ा सा पीछे लो, हल्का सा पीछे लो, देखो मूवी में दिखाते ना बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, पानी बह रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यार, एनाकोंडा वाली मूवी थी, हाँ एनाकोंडा वाली मूवी से ही कह रहा, ऐसे लगता था। जंगल में सबसे ज़्यादा आतंक हाथियों का ही है भैया, इसका देखो भाई कितना बड़ा हाथी का पाँव है, देखो कितना बड़ा साइज है, देखो एक ये साइज है, एक ये देखो कितने बड़े होंगे हाथी पीछे पूरा, पर ये साइज देखना, अभी सूअर गुजरा है शायद यहाँ से, देख मिट्टी खुद रेट रखी, ये तो साइज देखना भाई बहुत बड़ा हाथी, तो ये होगा फुल साइज दांत वाला हाथी, और बहुत बड़ा हाथी है जिस हिसाब से इसके पाँव का साइज है ना, बहुत बड़ा साइज है यार पाँव का, है वो इतना तगड़ा। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जंगली हाथियों को कैसे रोकने के लिए अपना वो होता है ना, कि जब रात को यार लोग रुकते हैं जंगल में, जब कटाई चालू होती है ना तो इस तरीके से खड्डे कर दिए जाते हैं, देख रहे हैं आप, ताकि जानवर हाथी या कोई भी जानवर इसको क्रॉस करके उधर ना जा पाए, और उसके बीच में लोग अपना टेंट लगा के रहते हैं, देख रहे हैं आप, ताकि इस हाथियों को रोकने के लिए। और जो आपने देखा ना कितना बड़ा हाथी था, वो था पैर, वही हाथियों का तो बहुत कह रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा देर हम भी गाड़ी में नींब खड़े होते हैं बाहर और अंदर बैठ जाते हैं टाइम पे। ये देखिए यहाँ पे लोग रहते हैं, और पूरा देखो खड्डा कर रखा है चारों तरफ से, ताकि हाथी
जा ना पाए। देखिए तालाब पानी का, छोटा सा जंगल के बीच में, कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी बिल्कुल एकदम ग्रीनरी। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, हम जहाँ बहुत जा रहे थे पहुंच ही गए। पहुंच गए हम जहाँ हमने पहुंचना था। ये देखो इस तरीके से रहते हैं ताकि हाथी ना आए, खड्डे करके। और ये खड़ा है ट्रक लास्ट में, पाइप लगे हैं। देखो इस तरीके से रहते हैं यहाँ पे, तो जो वो दिखा रहा था खड्डा आपको, वो इसलिए खड्डा करते हैं क्योंकि हाथियों का खतरा ना हो यहाँ पे। ये देखो ताकि भाई यहाँ पे ना हाथी हमला ना करे, और इस तरीके से खड्डा बनाए रहते हैं ताकि हाथी यहाँ ना गुजरे। और यहाँ पे लोग रहे ना क्योंकि रात को सब यहीं रहते हैं, यहाँ पे कटाई का काम चलता है अपना, जंगल कटाई जितना भी। तो इस तरीके से देखो टेंट बना के रहते हैं पूरे। तो ये देखो ये पूरे कटान वाला एरिया आ गया है, वो पेड़ ऐसे गिराए जाते हैं फिर इन्हें काटा जाता है। ये सब माल जाता है आपका घाटों में, पूरा उत्तराखंड के घाटों में माल जाता है ये सारा, हर जगह जाता है, मतलब जहाँ जहाँ लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ जाता है सारा माल। खरीद भी सकते हो, बेच सकते हो, बेचते तो है ही टेंडर होता है इसका भी, एक जो हर साल रिन्यू होता होगा ना टेंडर, हर साल नए टेंडर होता है, हर अलग अलग जगह अलग अलग उसके हिसाब से। तो पूरा लॉट काटा गया है देखो, अभी सोच लो कि हम कटे हुए जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। बिल्कुल पूरे के पूरे झाड़ियाँ देखो छोटे छोटे सूखेंगे, इनके पत्ते हटा दिए जाएंगे, टहनियाँ होती है ना जो, वो हैं बड़े बड़े मोटे मोटे लॉट अपने कट के जा चुके हैं। तो वही देखो हम आए पंजा ठीक करने, पंजे का, पंजे के दो सामान लेके आए हुए हम यहाँ पे, और इसे कहते हैं पंजा। ये पूरा ट्रैक्टर है देखो, इसे कहते हैं पंजा, क्योंकि इस तरीके से बनाया गया है इसे ट्रैक्टर को पूरा पंजा। भाई किस किसने पहले देख रखा है मुझे बताना, मेरे तो फर्स्ट टाइम है इसे देखने का। देख रहे हो पूरा पंजा, इससे पैसे वो पकड़ते होंगे ना उसकी टहनी को ना नीचे से जड़ के यहाँ पे। हाँ गाड़ियों में भरता भैया, गाड़ियों में। देख रहे हो बिल्कुल बीचों बीच जंगल में खड़े हैं हम लोग, हर जगह देखो। 10 मिनट पहले आ जाते तो देख लेते। अरे हाथी आया था यहाँ पीछे से, भूरा हाथी है। भूरा, बूढ़ा या भूरा? भूरे रंग का। 10 मिनट मिस हो गए यार, 10 मिनट पहले आए होते तो हमें हाथी देखने को मिल जाता। अगर हम वहाँ पे रुकते नहीं ना थोड़ी देर तो हम हाथी देख लेते। भूरा हाथी, भूरा ग्रे हाथी तो सभी ने देखे, भूरा हाथी। अरे कोई नहीं है, भूरा हाथी होगा यार, भूरा हाथी। चलो अच्छा, पूरी उससे हटके रहता होगा ना, उसको हटा रखा होगा कि तू अलग कलर का है, निकल। देख रहे हो बेटा, पल्सर घूम रही है, पल्सर पल्सर जहाँ वाला गाना याद आ जाता है। ओके देख रहा हूँ पंजा कितना खतरनाक लग रहा है। चलो ऊपर नीचे करो, एक बार ऊपर नीचे करो। गजब, देख रहा कितना ऊपर तक जा सकता है डायनासोर। भाई देखो कुछ नया लेके आया मैं इस बार आपके लिए, और आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़ा सा हमने कहा जंगल राइड करते हैं, पहाड़ों अपने सब बहुत दिखा दिए हैं, तो कुछ अलग दिखाया जाए अपनी, तो अपनी फैमिली को
तो भाई इसीलिए मैं इस एरिया में आया और ज़बरदस्त लगा मुझे भी। मेरा भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है ऐसे जंगल में। मोहित भाई तो हमारे घूमते रहते जंगल में, काम यही है। तो अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जंगल के अंदर और यहाँ पूरा लॉट कट रहा है अभी। पंजाब ने देखा कैसे चल रहा है, बिल्कुल डायनासोर लग रहा है डायनासोर। मोहित भाई गाड़ी घुमा रहे हैं, ये जंगल के बीचों बीच गाड़ी चलेगी अपनी। देखो हमने अपने अपने रोड बनवाते हुए चल रहे जंगल के अंदर। रोड कर रहे हैं नदी में बिल्कुल अपनी गाड़ी के साथ बढ़िया तरीके से। अब हम रिवर क्रॉस करेंगे। देखो ये है छोटा सा रिवर, हम वापसी जा रहे हैं घर की तरफ। आ गया वापस जंगल से, बाहर निकल आए हम लोग। अब मैं अपनी बाइक लेता हूँ क्योंकि मैंने बाइक यहीं खड़ी कर दी। वो इधर गाड़ी लेके साइड आ गए हैं वो देखो। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं घर को। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। इसी तरीके से मिलते हैं कोई बढ़िया से ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।